मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रॉल पे। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी मॉर्निंग के 9:15 हो रहे हैं। मैं आज जल्दी उठ गया था सवेरे, और आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई आंटी जी से मुलाकात कराइए, आंटी जी का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा करके। तो आज फाइनली मैं आपको आंटी जी से यानी कि मेरी मम्मी से आप सभी को मिलाता हूँ। मम्मी ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही है। मम्मी अभी डोसा बना रही है। वाओ, आज संडे करके डोसा स्पेशल बन रहा है। सवेरे से भीड़ गई है डोसा बनाने के लिए। कल रात को मिक्सी में मेरे से ये सब जितने भी आइटम पीस के दिया था, तब जाके इस तरह का डोसा बन रहा है अभी। तो आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं अगर आप डोसा बनाने के इच्छुक हो तो। कभी बाहर में खाना, आप सबको पता है कि COVID-19 चल रहा है, तो बाहर इग्नोर करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये बन गया है। और किसके लिए निकाल रही है? ये आपके लिए है। ये देखो मम्मी कितना मेहनत कर रही है। गुड मॉर्निंग, आइए डोसा खाइए, मेरे हाथ का कैसा बना है बताइएगा। तो सबको इनवाइट करिए मम्मी डोसा खाने के लिए। तो अगर आ सकते तो वही आ जाइए, मम्मी बना बना के खिलाएगी आप सबको। कुछ बोलना चाहेगी? और बस मेरे बेटे को मेरे सपोर्ट कीजिए, और हम लोग आप लोग के वजह से आगे बढ़े हैं। आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। डोसा बनाने में यही दिक्कत है निकालने वाला, क्योंकि टूटना नहीं चाहिए। ये देखो लग रहा ना इस तरह से डोसा बना है। यहाँ पे उसका मसाला, संडे था, आज है मंडे। कल मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि घर का काम भी करना था और मुझे कहीं बाहर भी जाना, इस वजह से काम के सिलसिले में बाहर जाना था, इस वजह से मैं कल कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया हूँ। सावन का आज तीसरा दिन है, तो मैं भी दर्शन करने के लिए हूँ मंदिर। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलता हूँ। दुर्ग में काम भी है, तो मैं सोचा सिद्धनाथ नदी का, वैसे तो मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, जब जा ही रहा हूँ तो मैं सोचा कि सिद्धनाथ नदी कभी दर्शन करने के लिए गया नहीं था, तो इस बहाने चलो आज मंडे भी है और सावन का तीसरा दिन भी है, तो अपन चलते हैं दर्शन करते हैं और वहाँ का व्यू पॉइंट भी दिखलाते हैं। तो आखिरकार मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे सिद्धनाथ नदी के पास में, और यहाँ पे कार्यक्रम भी हो रहा है। अभी हाल ही में बंद हुआ है, तो अभी चले दर्शन करते हैं, क्योंकि आज है तीसरा सावन सोमवार और इतने सारे लोग आए हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा हो गया है। यहाँ पे कार्यक्रम भी हो रहा है, तो आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। वैसे तो मैं यहाँ का ब्लॉग बनाया था, मतलब कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, लेकिन आज फिर से एक बार दर्शन करने आया तो हिंदी में बना रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी अच्छा खासा वायरल करिएगा। इस साइड में आप देख पा रहे हैं कि खाने पीने का दुकाने लगे हुए हैं। यह एक सुंदर सा मंदिर है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए आप नारियल खरीद सकते हैं। इस साइड भी है अगर घर ले जाना चाहते हो प्रसाद वगैरह। ये रहा मंदिर। इस मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। जय भोलेनाथ। तो आप भी दर्शन करिए घर बैठे। इतने सारे लोग बैठे हुए बाहर में। जब मैं पिछले दफ़ा आया था तो यहाँ पे पूरा पानी ओवरफ्लो था, लेकिन अभी पानी कम गिरा करके अभी सब आना जाना हो रहा है। यहाँ पे मेरे 2-3 सब्सक्राइबर भी मिले थे। तो चलिए, दर्शन तो मैंने कर लिया है, बाल भी सर गया मेरा। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा मुझे। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, व्यू पॉइंट देखते हैं, और व्यू पॉइंट कहाँ है वो भी आप लोगों को दिखला देता हूँ।
पिछली दफा जब मैं आया था तो इस तरह से माहौल नहीं था, मतलब कि था कम थे। वहाँ से देखते हैं व्यू पॉइंट। अरे बाप रे, यहाँ तो काफी भीड़ है। वही सुंदर सा नज़ारा का लुत्फ उठाइए, क्या नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। इतने लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बाकी तो सब यहाँ से उस साइड जा रहे हैं। तो ये गेट को अभी छोड़ा गया है नीचे से, इसीलिए ऊपर से पानी अभी नहीं जा रहा है। उस समय आया था तो गेट मतलब कि बंद था और पानी भी अच्छा खासा गिरा था, और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आप खुद देखिए कि पानी पानी। सारे ऐसे ऐसे जगह हैं जो खूबसूरती से भरा हुआ है, बस दिखाने वाला होना चाहिए। और मैं जब भी बाहर ट्रैवल करता हूँ तो सब यही बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे है। छत्तीसगढ़ जो लोग जानते हैं वो लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो ऐसे कोई जगह नहीं घूमने लायक, इसीलिए मैं वीडियो बना बना के आप लोग के बीच में लेके आता रहता हूँ, ताकि बाहर के लोग भी हमारे छत्तीसगढ़ को देखें और बाहर के लोग भी हमारे छत्तीसगढ़ में विजिट करें। ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में विजिट करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण हो गए, बस्तर तरफ के हो गए, और भी बहुत सारे जो दुकान लगाते हैं या पिकनिक स्पॉट के आसपास में, उन लोगों को रोज़गार मिले, बस यही मकसद है मेरा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। अब उस साइड चलते हैं, वहाँ से नज़ारा देखेंगे। अब नीचे चलेंगे, नीचे से नज़ारा देखेंगे, क्योंकि गेट खुला हुआ है और इतने सारे लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे मछली पकड़ पकड़ के बेच भी रहे हैं। उस बार आया था तो नीचे उतरने का मौका नहीं मिला था, अभी तो यहाँ से आना जाना हो रहा है, गाड़ी भी चल रही है और आप लोगों को दिखलाते हैं। ये देखो क्या खूबसूरत दिख रहा है नीचे से, बहुत खूबसूरत सा नजारा है। ये जो आप देख रहे हैं ये गेट है। देखो तो इस साइड पानी देखो पूरा नीचे जाते जा रहा है, क्योंकि ये गेट जो है खुला हुआ है, और मैं इस तरफ से दिखलाता हूँ आप लोगों को। ये रहा है ना खूबसूरत सा नज़ारा, तो क्या बेहतरीन साउंड आ रहा है। सुहाना सा मौसम है। सामने में जो आप देख रहे हैं वहाँ भी मंदिर है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उससे चलते हैं। अरे वाह, इस साइड तो मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गेट छोड़े हुए हैं। अंदाजा लगा सकते हो कि इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और अभी आ ही रहे हैं सब छोटी बाइक से। वहां तक दिखलाता हूँ, उस साइड में भी मंदिर है तो उस साइड भी अपन देखते हैं। सेल्फी वगैरह ले रहे हैं गर्ल्स बॉयज। यहाँ पे सब नहा रहे हैं। इस साइड से आप लोगों को व्यू दिखलाता हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत है।
इतने सारे लोग अभी आना जाना कर रहे हैं। का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना।